आप वजह बताओ सुबह सुबह इस अर्जेंट ब्रेकफास्ट की। मैं तो अच्छा खासा सो रही थी, मैं यहाँ पर वेकेशन के लिए आई हूँ फाखर, तो मैं सुबह सुबह उठा के यहाँ ले आया हूँ। फिर मैंने तुमसे टोफिल का फॉर्म तो फिल करवा लिया, लेकिन मेरे घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि मुझे बाहर भेजें। हाँ तो मैंने भी तुम्हारी फॉर्म फिल करने में मदद की है, घर वालों को काउंसिल नहीं करने वाली हूँ मैं तुम्हारे। मैं कब कह रहा हूँ कि उनको काउंसिल करो भाई। अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करूँ सबको और निकल जाऊँ, या तो फिर छुप छुप आके खामोशी से जो है वो भाग जाऊँ। पर फिर तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, ये ऐसे अचानक से प्लान कर लेना और किसी को बगैर बताए ऐसे चले जाना, ये क्या, ये कौन सा तरीका है? तुम उनकी बात मानो, बात को सुनो तो। मैं क्या करूं जब तुम बताओ तो, और कोई ऑप्शन है मेरे पास? एनी का सोचा था अगर वो मान जाती तो फिर वो अम्मा को भी मना लेती, वो भी नहीं मान रही है, मैं क्या करूं? हाँ तो एनी को क्या प्रॉब्लम है, वो तो तुम्हें खुद काउंसिल करती थी ना पढ़ने के लिए, स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। अब क्या हो गया उसे? पता नहीं यार, वो एक टिपिकल सोच रख के बैठ गई है हाउस वाइफ वाली को, अब बन गई है तो वही सोच रखती है, हालांकि अब तुमसे भी उम्र में छोटी है वो। प्लीज उसको मुझसे कंपेयर मत करो, उस बेचारी के ऊपर तुमने देखा है कितनी जिम्मेदारियां हैं, एक बच्ची की जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर को संभालने की जिम्मेदारी, और मैं उठती हूँ, अपना सोशलाइज करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, दैट्स इट। तुम्हें पता है सबको यही लगता है, जिस तरह अभी तुमने उसके मसले सारे बयान किए हैं ना, हमारे घर में भी सबको ये लगता है कि शादी से सिर्फ एनी को रिश्ता हुआ। किसी ने ये देखा नहीं कि भाई मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज किए हैं, मैंने कहा सैक्रिफाइसेस किए हैं, मेरे भी कुछ ख्वाब थे जो मैं छोड़ के आना हूँ। नहीं समझ आती किसी को। फाखर मैं तुमसे हमदर्दी भी रखती हूँ और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए मैं समझती भी हूँ कि तुम इस वक्त क्या क्या चीज़ों से लड़ रहे हो, किस किस चीज़ से गुजर रहे हो। बट एट द सेम टाइम तुम्हें पता है तुम्हें सबसे बेस्ट हूँ भी क्या, तुमने क्लास में ना हमेशा हर लड़की की इज्जत की है, और मैं एनी को इतना लकी मानती हूँ ना कि उसको तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला है। आई अंडरस्टैंड जल्दी शादी होने की वजह से ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, बट इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से है अपनी उस अच्छी आदत को ओवर शैडो नहीं होने दो। तुम उनको इज्जत दो, समझने की कोशिश करो कि वो बोल क्या रहे हैं, एंड अगर वो नहीं इजाज़त देते तुम्हें जाने की, स्टे हियर, तुम्हारा मेन पर्पस इज कंटिन्यूइंग योर स्टडीज, राइट? डू दैट। तुम क्यों नहीं पढ़ी फिर यहाँ पे? बताओ। हम लोग इसलिए क्योंकि यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं, मेरा भी बाहर जाने का मकसद यही है। फाखिर मुझे मामा के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, आई नीड टू गो, मुझे उनके साथ बाहर जाना था। हम बाद में मिलते हैं और बात करते हैं, ओके? लाफिस। Thank you.